दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एकदम ही बेहतरीन रेसिपी दिखाऊंगा दाल मखनी बनाने की, रेस्टोरेंट जैसी कम से कम टाइम में। और मेरे चटरों कैसे हो आप? आज हम लोग बनाएंगे बिल्कुल होटल जैसी दाल मखनी की रेसिपी। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना ये दाल मखनी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है दोस्तों, टेस्ट भी बिल्कुल लाजवाब है। ये दाल मखनी बनाने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो होटल में इसको घंटों पकाया जाता है, मैं आज आपको कम से कम टाइम में एकदम बढ़िया होटल जैसी बनानी सिखाऊंगा। तो शुरू करें दोस्तों दाल मखनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिना दाल के तो बनेगी ही नहीं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है काली उड़द दाल, इसको छिलके वाली उड़द दाल भी कहते हैं। मेरे पास आधा कप उड़द दाल है, साथ ही में 2-3 चम्मच राजमा है। इन दोनों को आपको पानी डालकर भिजाना है कम से कम 12 घंटे के लिए। 12 घंटे भिजाने के बाद आप देख सकते हो कैसे ये डबल हो जाएगा। हम लोग के दाल और राजमा भीज कर तैयार है। अब मैं इसको एक कुकर में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो आप है ना चना दाल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बेसन इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूँ चना दाल की जगह। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्यों। मैंने कुकर में ये दाल डाल दी है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया है, साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगा। नमक डालने के बाद ढक्कन लगाकर हम लोग इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पर 5 सीटी के लिए। 5 सीटी लगने के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसको पकाइए अगले 20 मिनट के लिए। मेरी दाल पूरी पक चुकी है, मैं ढक्कन खोल लेता हूँ। आप देखिए दाल पूरी फूल कर गल चुकी है। एक मैं आपको दाल का टुकड़ा दबाकर दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों दाल गल गई है, अब हम लोग बनाते हैं इसके लिए तड़का। बिना ये तड़के के दाल मखनी में जान ही नहीं आती है। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूंगा 4 चम्मच घी। आप सोच रहे हो कि दाल मखनी में बिना मक्खन के कैसे बना रहा है यमन? मक्खन लास्ट में डालते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। मैंने इसमें 2 चम्मच जितना तेल भी डाल दिया है, अब हम लोग इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तेल घी को बिल्कुल अच्छी तरह गरम करना है दोस्तों। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तब हम लोग इसमें डाल देंगे जीरा। मैं यहाँ पर शाही ज़ीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बहुत ही शाही टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया। जीरा डालने के बाद आप देख सकते हो कैसे ये चटकने लग गया है। तेल घी एकदम अच्छी तरह गर्म था। अब हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन। मैं यहाँ पर 4 कलियाँ लहसुन की इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको मैंने महीन काट लिया था। 2 मिनट तक लहसुन जीरा पकाने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 2 चम्मच डाल लीजिएगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच बेसन। मैं बेसन क्यों इस्तेमाल करता हूँ? क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा रोस्टेड फ्लेवर आता है, बहुत ही नटी फ्लेवर आता है। इन सभी को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह पकाएंगे इसको 2 मिनट तक। मैंने इसको थोड़ा अच्छी तरह पका दिया 3 या 4 मिनट तक लो फ्लेम पर, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पर 3 या 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने मिक्सी में चला लिया, वो 1 कप प्यूरी बन गई, वो मैंने इसमें डाल दिया है। प्यूरी डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद बिल्कुल बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। ध्यान रखिएगा हम लोग ने दाल में भी नमक डाला था, तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करिए और इसको पकाना है हम लोग को, जब तक कि ये ना साइड छोड़ना स्टार्ट ना कर दे, मतलब टमाटर अच्छी तरह जब तक भून जाए तब ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसको पकाने में आपको 8-9 मिनट लग जाएगी। ये देखिए कैसे ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, साथ में तेल भी बहुत सारा छोड़ दिया है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते। धनिया का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जब हम लोग इसको ऐसे इस स्टेप में डालते हैं। धनिया के साथ ही में मैं इसमें काली मिर्च भी डाल दूंगा, मैं पहले डालना भूल गया था। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। दोनों को अच्छी तरह मिलाएंगे और पकाएंगे 2 मिनट तक। अब हम लोग इसमें डाल देंगे दोस्तों क्रीम। क्रीम के बिना दाल मखनी में मज़ा नहीं आता है। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच जितनी क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। अगर आपको और क्रीम डालने का मन करे तो और डाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्रीम भी अच्छी तरह मिल चुकी है, अब बस एक ही चीज़ डालना बाकी रहा है, वो है दाल। वैसे तो और भी इंग्रेडिएंट बाकी है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट तो दाल ही है ना। तो हम लोग ने दाल राजमा भी इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे।
अभी दाल कितनी बढ़िया लग रही है कि नहीं? अभी तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगी दोस्तों। तो अब हम लोग इसमें है ना पानी डाल देंगे। आप देख सकते हो अभी मैं बहुत सारा पानी डाल रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि हम लोग को ये दाल को बहुत ही अच्छी तरह पकाना है। अभी ये थोड़ी लाल है ना, हम लोग इसको जैसे जैसे पकाएंगे वो वैसे वैसे काली हो जाएगी। आपने सुना होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट ये दाल को 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे पकाते हैं। वो क्यों पकाते हैं? क्योंकि जितना पकाते हैं उतना रिच फ्लेवर आता है इसमें। पानी डालने के बाद अच्छी तरह आप देख सकते हो बिल्कुल पानी पानी हो चुकी है दाल। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगा। मैं यहाँ पर 30 ग्राम बटर डाल रहा हूँ। अगर हम लोग पहले बटर डाल देते तो उसका भुना हुआ टेस्ट आता। अभी हम लोग बाद में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अभी डालेंगे तो बटर का एकदम है ना रॉ, एकदम बटरी टेस्ट आएगा। उसका टेस्ट एकदम लाजवाब रहता है जब हम लोग अभी डालते हैं। तो बटर डालने के बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और इसको पकाइए कम से कम 20 मिनट के लिए। आप इसको जितना ज़्यादा देर तक पकाओगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो पकाइएगा ही। मैं बहुत बार इसको 1 घंटा 1.5 घंटा भी पकाता हूँ। आप एक और चीज़ कर सकते हो दोस्तों, आप इसमें कोयले का धुआँ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ़ आप 5 सेकेंड के लिए करिएगा। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि है ना होटल में जब ये लोग पकाते हैं तब वो कोयले में पकता रहता है धीरे धीरे, और उससे बहुत ही है ना सोंदा सोंदा फ्लेवर आता है। तो वो आप वैसे कर सकते हो। मेरी दाल बिल्कुल 20 मिनट तक पककर तैयार हो चुकी है। दिखने में लाजवाब लग रही है कि नहीं? फटाफट मैं इसको सर्व कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा और मक्खन, थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ये दाल मखनी चट करने के लिए तैयार है। तो आप क्या पसंद करोगे, नान, रोटी या पुलाव? तो हम लोग की दाल मखनी बनकर तैयार है। आप भी ट्राई करिएगा। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, वैसे जीरा राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, मिस्सी रोटी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको नान, तंदूरी रोटी और मिस्सी रोटी की रेसिपी सीखनी है तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ये ट्राई करेंगे और आपको अच्छी लगेगी। अगर नहीं लगी तो डिसलाइक बटन दबा देना, अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाना दोस्तों। उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसको क्लिक करना। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। लेकिन घंटी तो बजाया ही नहीं आपने, आपको घंटी भी बजानी है उसके बगल में। उसके बाद आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं कोई फ़ोटो या फिर वीडियो डालूँ। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।